सासाराम में रामकिशोर सिंह अपने संकल्प महासम्मेलन की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक किए। सासाराम के एक निजी होटल में आयोजित इस बैठक में आगामी 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में संकल्प महासम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने वैशाली के पूर्व सांसद रामकिशोर सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने कहा कि यह संकल्प महासम्मेलन बिहार की आगामी राजनीति तय करेगी। रामा विचार मंच के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इस सम्मेलन में उपस्थित लोग यह निर्णय करेंगे कि आगामी चुनाव में बिहार में राजनीति किस करवट बैठेगी। बिहार सरकार के क्रियाकलापों एवं केंद्र सरकार की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी तथा एक रणनीति के तहत काम किया जाएगा। इस संकल्प महासम्मेलन की राजनीतिक उद्देश्य को फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। यह आपका कार्यक्रम, मैं निरर्थक अपने 33 वर्षों से हम एमएलए और एमपी हैं, लेकिन मैं अपने निजी स्वार्थों में, चाहे समाज हो चाहे हमारे शुभचिंतक हो, किसी का इस्तेमाल आज तक मैं राजनीति में नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि कुछ अच्छा कर सके तो हमारा कर्तव्य बनता है, मैं उसको पूरा करूं, अन्यथा जो कछुआ चाल है उसी चाल में चलो। हमारी इस पर कोई राय नहीं है, हमारे तरफ से जो है अपना कोई भी विचार नहीं है। यह कार्यक्रम रामा विचार मंच का है, लोग उस दिन जुटेंगे और जुटने के बाद, उस कार्यक्रम में जुटने के बाद जो संवाद होगा लोगों से, लोगों की जो राय होगी उसके आधार पर निर्णय होगा। और संकल्प का जो सभा का है, इसमें सिर्फ प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो इस मंच से जुड़े और जो व्यक्तिगत रूप से भी हमसे जुड़े शुभचिंतक हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य तो होगा ना सर इसका। देखिए, प्रजातंत्र में राजनीतिक उद्देश्य ही होता है। जो लोग जो है, जन जो है, सबसे ज़्यादा मजबूत तंत्र जो है प्रजातंत्र में यही है। और लोगों को इकट्ठा राजनीतिक है, मकसद है, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं है। लोगों की राय के बाद 4 तारीख को ही आपको बिहार सरकार के संबंध में आपका क्या विचार है वर्तमान सरकार के? देखिए, हम कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक प्रतिक्रिया मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है सम्मेलन का है। सम्मेलन में जो लोगों की राय बनेगी, राज्य सरकार के खिलाफ बनेगी तो राज्य सरकार के खिलाफ हमारी आवाज़ उठेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ उठेगी केंद्र सरकार। तो इसलिए मेरे तरफ से कुछ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो 4 तारीख को तय करेंगे, जो लोग हैं इस मंच से जुड़े वो लोग तय करेंगे उसके बाद। बिहार में